Hey guys, welcome to WiFi Study, changing the way of learning। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल WiFi Study पे। तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम कवर करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। अपार्ट फ्रॉम द हिंदू दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, चाहे PIB से हो, चाहे PRS से हो, कहीं से भी हो, सभी को हम कवर करते हैं। देखते हैं दोस्तों एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आपको राइटिंग स्किल्स जो आपकी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि अगर आपको राइटिंग स्किल्स के लिए जरूरी होता है कि आपको कम से कम हर टॉपिक के बारे में कुछ डिटेल में पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका प्रेजेंट पता होना चाहिए और उसका पास्ट भी, उसका फ्यूचर यानी कि आने वाले टाइम पे क्या वहाँ पे होने वाला है थोड़ा बहुत ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसी को लेकर दोस्तों ये करंट अफेयर बनाया गया था ताकि आपकी ओवरऑल नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो जाए। चलिए गाइस तो शुरुआत करते हैं। होपफुली की आवाज बढ़िया आ रही होगी। अगर आवाज बिल्कुल बढ़िया आ रही है तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए ताकि फिर बाद में जो है ये वाले इश्यू बार बार बच्चे ना बोले, है ना। चलिए ठीक है गाइस तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ISC बेंगलुरु। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल था आपका दोस्तों कि Which one of the following bank has launched a new salary account for MSME named as सुरक्षा सैलरी अकाउंट? तो ये जो सुरक्षा सैलरी अकाउंट दोस्तों जो बनाया गया ये किसके लिए बनाया गया? ये आप एयरटेल के द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने क्वालिटी NZ कुल्लेरी अवार्ड 2020 है जो कि जीता था? तो ये अंगद सिंह जी थे दोस्तों जिन्होंने जीता था। अगला सवाल था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके पेरिस के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है RBI, अकॉर्डिंग टू द RBI पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने दोस्तों कौन सा रिसेशन है, कितने रिसेशन है जो कि अभी तक झेले हैं? तो अभी COVID-19 वाला दोस्तों मिलाकर जो है ना ये टोटल 5 हो जाते हैं। 5 ऑप्शन में है नहीं तो यानी कि इसके बारे में बात नहीं करेगा ये, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। इसके अलावा दोस्तों कल से एक जबरदस्त सेशन है जो कि प्लस के ऊपर लॉन्च हो रहा है मेरा। 1000 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाने वाला हूं। अगर आप CHSL, JEE, स्टेनो, SI या SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस ये 1000 क्वेश्चन लगा लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और साइंस के जो कि मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ प्लस पे, आपको मजा आ जाएगा। और इसके अलावा आपके क्वेश्चन कहीं से देखने को नहीं मिलेंगे। नियर बाय 70 to 80% क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। रेफरल कोड आपको यूज करना है डिस्काउंट के लिए BHUNESH भुनेश N। तो 1000 क्वेश्चन हाई क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डेली के 25-30 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ। डेली सुबह 9 बजे है ये क्लास प्लस में होने वाली है। SSC के लिए आप क्या कर सकते हैं, SSC में जा सकते हैं, अनअकैडमी ऐप में जाके अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए, मैनेज, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे, फिर 500 रुपए पर मंथ वाला 12 महीने का ले लीजिएगा। रेफरल कोड डाल दीजिएगा BHUNESH भुनेश N और अप्लाई कर दीजिएगा। आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS के सारे टीचर की सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगी। चलिए गाइस कोट ऑफ द डे की बात करते हैं ना। कोट ऑफ द डे है बिलाल के द्वारा भेजा गया है। यू हैव गॉट टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग विद डिटर्मिनेशन इफ यू आर गोइंग टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे एक जॉर्ज लॉरिमर थे, उनका स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे कोट किया गया है और बात बिल्कुल 101% दोस्तों बिल्कुल सही है। अभी आजकल दोस्तों सुबह 5 बजे भी मैं बोलता हूँ क्लास के अंदर कि जितने जल्दी बच्चे सुबह उठ के जो है ना लाइव आने की कोशिश क्या करो। 10-15 मिनट का सेशन होता है लेकिन आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। आपको पता होगा कि मुझे 5 बजे उठना है, तो अगर सुबह जल्दी उठ रहे हो आप डिटर्मिनेशन के साथ में, मुश्किल होती है उठने में मुझे मालूम है यार, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए जब आप सोओगे ना रात को तो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस आप सुबह 5-4 बजे उठे हो, आपने सुबह 4 घंटे पढ़ाई करी है, अपनी करंट अफेयर देखा है, उसके बाद में आपने बढ़िया जो है आपको दिन में सो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी हॉबी को भी 1-2 घंटा दे सकते हो, समझ रहे हो। बिल्कुल लाइफ जो है वो बिल्कुल चिल हो जाएगी आपकी। आपका जो सोने का ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। रात को जल्दी सोने की आदत अपने आप पड़ जाएगी, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना बॉडी की वो अपने आप सेट हो जाएगी। कुछ दिन की बात है, एफर्ट लगाया करो दोस्तों, समझ रहे हो। अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा और यकीन मानिए बहुत चीजें हैं जो कि आप लाइफ में अचीव करोगे, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे काफी बच्चे हैं जो कि अपना टाइम टेबल बता रहे हैं 5 बजे, 5:30 बजे, काफी बच्चे जल्दी उठते हैं, बहुत अच्छी बात है गाइस। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सुबह उठ रहे हो और ठीक है लाइफ में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं आज के द हिंदू की तरफ। आज के द हिंदू के अंदर सबसे पहले दोस्तों अपने मोदी जी का स्टेटमेंट है जो कि आया है और वो बोल रहे हैं कि इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इस टेरिटरी, हम लोग हमारी एक एक इंच को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, ऐसा स्टेटमेंट आया। जैसा कि आपको मालूम है इंडिया और चाइना को लेकर काफी इश्यू है जो कि हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्या मोदी जी के द्वारा बोला गया है, क्या नई चीजें हैं जो कि यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे भी दोस्तों जयशंकर जी ने जो उनके काउंटर पार्ट है चाइनीज, उनसे डिस्कशन किया है दोस्तों इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, तो सेम इश्यू है दोनों, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो बच्चे दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए अनअकैडमी दोस्तों एक लेके आया है, यूपीएससी सबमिट 2020। 3 दिन का दोस्तों ये सबमिट है, एक मिशन है यूपीएससी क्लियर करने को लेकर। 50+ स्पीकर है दोस्तों, जिसमें आपको यूपीएससी के जो टॉप रैंकर्स है वो भी आपको मिलेंगे। शशि थरूर, किरण बेदी, कपिल देव, प्रणब मुखर्जी जो इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, जयराम जी है, और साथ में दोस्तों जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन है, ओके, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। आप फ्री में यूपीएससी सबमिट डाल के दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको कोई प्लस कोर्स चाहिए तो Bhunesh 10 आप यूज कर लीजिएगा, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोस्तों बोला था कि हमारे 20 जवान है जो कि दोस्तों अभी शहीद हो गए थे। आपको मालूम है गलवान वैली के अंदर, लद्दाख के अंदर, हमारे साइड से तो नंबर दे दिया गया, लेकिन चाइनीज लोगों ने जो है वो अपनी साइड से कोई नंबर है जो कि नहीं दिया है। अगर नंबर नहीं दिया है, अगर वो छुपा रहा है, इसका मतलब यही है कि कम से कम मुझे लगता है कि 2x जो है वो कैजुअलिटी जो है वो चाइनीज साइड पे हुई है, तभी जो है वो अपने नंबर रिलीज नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है कितना हुआ है, क्या हुआ है। हमारे यहाँ पे दोस्तों अगर हमारी तरफ की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो 4 जो जवान जो कि क्रिटिकली इंजर्ड थे, अभी वो स्टेबल है दोस्तों। इसके अलावा काफी लार्ज मतलब वहाँ पे झगड़ा हुआ है दोस्तों, यानी कि इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे 58 पर्सनल और भी थे जिनको माइनर इंजरी हुई थी, ओके, जो कि कुछ दिनों के अंदर वापस से सेना को ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा 4 क्रिटिकली कंडीशन में थे जो कि अभी स्टेबल है, और आपको मालूम है 20 जवान है जो कि अभी हमारे दोस्तों शहीद हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हैं 70-80 जवान जो है जहाँ पे देखने को मिला है। तो हमारी तरफ से 70-80 है, तो आप उनकी तरफ से, चाइनीज की तरफ से, तो मेरे को लगता है कोई नियर बाय 150-200 जो उनके जवान है, उनको तो PLA पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनको नुकसान वहाँ पे हुआ होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने साफ तौर पे बोला है कि हम किसी को प्रोवोक करते रहिए, हम हमेशा जो है आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोसी मुल्क अगर इस तरीके से स्ट्रेटेजीज अपनाएगा जमीन को जो है खुद की टेरिटरी में इंक्लूड करने को लेकर, तो हम किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो कि बोली गई है, और वापस से जो चीजें वहीं पर ही आ रही है कि भाई डिप्लोमेटिकली किस तरीके से चीजों को, जो टेंशन है ना, उसको डी एस्केलेट किया जाए। समझ रहे हो, देखो समझदारी इसमें ही होती है वैसे तो, कि डी एस्केलेशन करना जरूरी होता है, चीजों को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है, दोनों को नुकसान होगा। और हमने तो हमेशा क्या सॉफ्ट कॉर्नर ही दिखाया है, युद्ध को लेकर हम कभी भी चाहते नहीं है आगे होके कोई भी चीजें खराब होए, लेकिन इसी का फायदा है जो कि आज के टाइम पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान और चाइना ये लोग एडवांटेज लेने लग गए इस चीज का। समझ रहे हो, आजकल इनको लगता है कि भाई इंडिया जो है वो सॉफ्ट रहता है तो हमेशा ही सॉफ्ट रहेगा या फिर कुछ नहीं करेगा, तो इनको हमेशा इस तरह की गलतफहमी होने लग गई है। मतलब 1971 के शायद इंदिरा गांधी जी वाले, इन्होंने कभी शायद वो पता नहीं हिस्ट्री पढ़ी नहीं है कि नहीं पढ़ी है, मतलब मोदी जी भी थोड़ा काइंड ऑफ इंदिरा गांधी जी से ही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार, मतलब ऐसा फील आता है। चलिए गाइस देखो साउंड जो है, और अब साउंड को लेकर क्या हो गया, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई। अरे मैंने कल हेडफोन मंगवा लिए, कल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल से, कल या परसों, कल परसों आ जाएंगे, परसों के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको साउंड की। अरे भाई एयरफोन वेयरफोन लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस आगे बात करते हैं दोस्तों, और स्टूडियो से क्लास नहीं लेंगे क्या आप? साउंड सही है यार, मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आती है? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक तो ये कोरोना, ऊपर से पाकिस्तान, चाइना और नेपाल, है ना, ये सारे के सारे जो है वो मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे जो कि दोस्तों लेम डक के बारे में जो यहाँ पे बात हो रही है, वो हो रही है US इलेक्शन को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि इस बार ट्रम्प जो है ना, इस बार मुझे लगता नहीं कि वो जीतने वाले नवंबर के इलेक्शन के अंदर, इस बार जो है टाटा बाय बाय होने वाले। 45वां दोस्तों US प्रेसिडेंट आपको मालूम है, वापस से दोस्तों रिपब्लिकन के कैंडिडेट है, और इस बार जो है वो क्या करी गई है दोस्तों, एक रेटिंग करी गई है। गैलोप नाम की एक दोस्तों एजेंसी है जो कि क्या करती है, पोल करती है। यानी कि एक तरीके से आपने बोलते हैं ना कि अपने इलेक्शन के टाइम पे आते हैं ना, पहले से है ना, पहले से बता देते हैं कि भाई इतनी जगह पे लोग जीतने वाले हैं। तो गैलोप पोलिंग इनके द्वारा दोस्तों करी गई है, जिसके अंदर मात्र 39% लोग ये दोस्तों ओके जो कि जिन्होंने रेटिंग दी है मतलब ट्रम्प को कि भाई वो वापस से जीत सकते हैं या फिर वो अपने जॉब को जो है सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं। यानी कि 39% लोगों का ये मानना है दोस्तों ओके कि ट्रंप जो है वो अपनी जॉब को सही तरीके से कर रहे हैं। और ये दोस्तों पिछले 6 महीने के अंदर ड्रास्टिकली नीचे की तरफ आया है रेशो, समझ रहे हो मेरी बात। आप देख सकते हैं जिस जिस की रेटिंग दोस्तों 50% 60% से कम आई है ना यूएसए में, वो हमेशा हारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 1240 दिन के टेन्योर के अंदर अगर 14% की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे कम पिछले जितने भी प्रेसिडेंट रहे ना उनमें सबसे कम आया है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का इस बार ओके। और ट्रंप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि इंटरनेशनली देशभक्ति जो है वो लाकर जनता को जो है वो वोट बैंक में कन्वर्ट कर लिया जाए, क्योंकि जब आपके पास में इनसाइड कुछ नहीं होता तो आप आउटसाइड चीजों के बारे में बात करते हो। ये बात मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, मोदी जी भी ऐसे करते हैं, चाइनीज भी ऐसे करते हैं, इमरान खान भी ऐसे ही करते हैं और ट्रंप भी ऐसे ही करते हैं। सारे थोड़े से सेम टाइप ऑफ फिनोमेना है जो कि इंटरनेशनली चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखो यही चीज है। तो 39% है जो कि यहाँ पे लोगों ने बोला है कि अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। इलेक्शन को करेक्ट किया जाए दोस्तों तो हमेशा यही हुआ है कि जिसकी कम आई है रेटिंग वो हमेशा हारे है ओके। यहाँ पे देखिए ट्रंप दोस्तों बहुत नीचे की तरफ है, लोवेस्ट पीक जो है यहाँ पे देखने को मिला है ओके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और तो कुछ यहाँ पे नहीं है, कुल मिला के ये चीजें बातें बोली गई है। पेपर में हमारे सवाल जो दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट को लेकर आता है ना, ठीक है, जो यूएस प्रेसिडेंट को लेकर आता है ना, वो पूछता है हमारे पेपर में कि भाई सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट कौन थे जो कि भारत में आए थे। देखो बात ऐसी है कि आज तक 45 जो है वो यूएस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आपको मालूम है। इसमें से हमारे देश में दोस्तों है ना आज तक 7 यूएस प्रेसिडेंट है जो कि आए हैं। हमारे क्या पिछले 10-20 साल में आने चालू हुए हैं, वरना पहले तो क्या आते भी नहीं थे। तो ड्वेंटी ईसेनहोवर दोस्तों पहले यूएस प्रेसिडेंट थे 1959 के अंदर, जो कि भारत आए थे दोस्तों नेहरू जी के टाइम पे, और काफी वार्म वेलकम है जो कि उनको किया गया था है ना। और 21 गन की तोपों की सलामी है जो कि उस टाइम पे उनको दिल्ली के अंदर दी गई थी, ठीक है। ये भी एक अजीब बात है, मतलब यूएस प्रेसिडेंट आ रहा है 21 तोपों की सलामी हो रही है। चलिए गाइस, इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है निक्सन थे एक, और रिचर्ड निक्सन के बारे में सुना होगा। एक जिमी कार्टर थे दोस्तों, वो आए थे। फिर आए थे आपके क्लिंटन साहब आए थे है ना, फिर आए थे आपके जॉर्ज साहब आए थे, जॉर्ज बुश। उसके बाद आपके ओबामा आए थे, उनके ऊपर वो फंस गए, ओबामा पिक्चर भी बनी थी है ना, काफी सही फनी मूवी थी। और उसके बाद में बात करें तो फिर लास्ट हो गए अपने ये है ना ट्रम्प भाई साहब, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 3 और 3 6, तो ये हो गए, और एक हो गई है ड्वेंटी ईसेनहोवर। टोटल मिला के 7 यूएस प्रेसिडेंट है दोस्तों जो कि भारत में आज तक आए हुए हैं। यार देखो साउंड की ऐसी बात है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ चिल्ला सकता हूँ और मैं यहाँ पे बहुत जोर से बोल रहा हूँ। 2-3 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व कर दूंगा मैं, ठीक है ना। और एक बार शेयर कर देना वीडियो को गाइस, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं। बाद में जब आप 1 घंटे बाद देखोगे ना तो आवाज बिल्कुल एकदम सही हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं साबी को लेकर। साबी ने दोस्तों कई सारे बदलाव है जो कि दोस्तों करे हैं, ठीक है। साबी ने दोस्तों क्या किया है, फंड राइजिंग को लेकर दोस्तों नॉर्म्स है जो कि चेंज करे। क्या क्या बदलाव करे भाई, आपको मालूम है अभी हालत खराब हो रही है, तो इसीलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कई सारे बदलाव करे। पहला बदलाव क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला है दोस्तों कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो 2 बार 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर 2 बार जो है ना वो अपने शेयर जो है वो मार्केट में लेके आ सकते हो। पहले जो ड्यूरेशन हुआ करता था वो 2 महीने का है जो कि हुआ करता था। क्यों लेके आए जा रहे हैं ऐसे दोस्तों, क्योंकि अभी फंड चाहिए कंपनीज को, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है अपने 14 दिन के अंदर ही वापस से जो शेयर है वो लेके आ सकते हैं। यानी कि मान लो अभी 10% दिए, 14 दिन के अंदर 5% जो है वो और मार्केट में दे सकते हैं, ताकि उनको कंपनी को पैसा मिल सके। पहले 2 महीने का गैप है जो कि दोस्तों रखना पड़ता था। एक बदलाव तो दोस्तों ये किया गया है। दूसरा बदलाव दोस्तों जो यहाँ पे किया गया है वो किया गया है कि पहले जो भी आपके प्रमोटर जो है ना वो 5% ही है जो कि स्टेक रख पाते थे, मतलब अभी उसको अलॉटमेंट, प्रोफेशनल अलॉटमेंट उनको बढ़ा के 5% से 10% कर दिया गया है, ठीक है गाइस। प्रमोटर क्या कर सकते हैं, कंपनी में अपने जो स्टेक्स है वो 5% से 10% है जो कि कर सकते हैं। पहले एक्चुअली में 5% की कैप है दोस्तों जो कि लगा रखे थे, समझ गए मेरी बात, पहले उन्होंने कैप लगा रखे थे। तीसरा दोस्तों चेंज ये किया गया है कि अगर कोई दोस्तों कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है तो वो क्या कर सकता है कि अपने शेयर को जो है वो बढ़ा सकता है, समझ रहे हो। पहले क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे 250 करोड़ रुपए का था कि 250 करोड़ रुपए तक का ऑफरिंग था। यहाँ पे तीसरा वाला चेंज और बताया तो यार काफी बड़ा आर्टिकल था, इसके ऊपर क्या 2-3 आर्टिकल पढ़ने पड़े मुझे तब जाके ये चीज है ना आई थी। तो हाँ एक यही था, मतलब तीसरा वाला यही था कि जो अपने शेयर होल्डर्स है ना वो क्या कर सकते हैं कि अपने शेयर जो है वो मार्केट में लाए बिना खुद जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं पैसा और इन्वेस्ट करके। जैसे कि किसी के पास में मान लो 2% शेयर है, अब उसको चाहिए कि कंपनी में 4% हो जाए तो वो खुद जो है पैसा लगा सकता है, मार्केट में जो है वो जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। उसको पैसा दे देगा वो कंपनी को तो शेयर होल्डर के खुद के जो है पैसे बच जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। तो 3 बदलाव करे गए। पहला तो शेयर मार्केट दोबारा लाने के लिए, शेयर लाने के लिए 14 दिन का कर दिया गया। दूसरा जो है प्रमोटर जो है उनकी इक्विटी जो है उनका जो शेयर होल्डर है वो 5 से 10% कर दिया गया। और तीसरा जो है वो मार्केट में जो है शेयर लाए बिना खुद भी क्या कर सकते हैं अपने शेयर को बढ़ा सकते हैं। तो 3 चेंजेस है दोस्तों जो कि यहाँ पे करे गए हैं, समझिए। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है दोस्तों तो आपको यहाँ पे काफी मदद मिल जाएगी इससे। सेबी की बात करें, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अजय त्यागी साहब है दोस्तों जो कि अभी चेयरपर्सन है सेबी के, समझ गए। सेबी एक्ट आया था 1992 के अंदर, उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन है दोस्तों जो कि किया गया था। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है इसी पेज के ऊपर जो कि AIIB की है, ये वाली न्यूज। इंडिया ने दोस्तों क्या किया है, AIIB से $750 मिलियन का लोन है दोस्तों जो कि लिया है COVID-19 की वजह से, क्योंकि कई सारे लाखों लोग हमारे यहाँ पे दोस्तों पॉवर्टी में जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पूरी दुनिया में एक एक्सपेक्टेड है कि 4 करोड़ लोग हैं जो कि दोस्तों पॉवर्टी में चले जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द COVID-19, समझ गए। और अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्तों तो हमारे यहाँ पे भी 40 से 50 लाख लोग हैं जो कि पॉवर्टी में जा सकते हैं। और ये तो गवर्नमेंट का डेटा है। अगर मैं रियलिटी की बात करूँ ना गाइज, तो रियलिटी में 1 से 2 करोड़ के आसपास ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो कि अपनी नौकरी चले जाने की वजह से पॉवर्टी वाले जीवन या पॉवर्टी वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, समझ गए। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अगर आप $2 पर डे नहीं कमा रहे हो तो जो है उसको BPL वाली कैटेगरी में माना जाता है। $2 का मतलब हो गया यानी कि आप 150 रुपए पर डे नहीं कमा रहे हो तो। और इंडिया की नियर बाय 30 से 40% पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया में फिट हो जाती है। हालांकि इंडिया के अंदर हम लोगों ने जो दोस्तों पैरामीटर रखा हुआ है BPL के अंदर वो बहुत ही नॉमिनल रखा हुआ है कि अगर एक आदमी 800 रुपए पर मंथ खर्च कर रहा है तो वो BPL में नहीं है। आपको भी मालूम है 800 रुपए पर मंथ में एक आदमी का क्या हाल होता है यार, काम चलता है क्या उसमें, उसका मेडिकल, खाना पीना, जाना आना, ट्रांसपोर्टेशन सब हो सकता है क्या। 30 रुपए 35 रुपए पर डे पॉसिबल है क्या, नहीं है। लेकिन हमने क्राइटेरिया को बहुत कम कर रखा है ताकि हम यहाँ पे दिखाएं कि हमारे यहाँ पे BPL के लोग बहुत कम है। उस कैटेगरी के अंदर भी 800 वाली जो है ना उसमें भी 20-25% लोग आ जाते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जाए तो 30-40% पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी में चली जाती है, ठीक है। तो ये रियलिटी है, मतलब जो कि मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ, समझ गए। और ठीक है गाइस, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे ये बताया गया है, तो इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, AIIB से जो है $750 मिलियन का लोन है जो कि लिया है ताकि हम यहाँ पे क्या कर सके, जो नौकरियां है वो उत्पन्न कर सके, है ना, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सके इधर उधर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों को नौकरियां हैं जो कि मिल जाएगी, बूस्ट हो जाएगा, बिजनेस सेक्टर हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर जो है ना हमारा। देखो हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में लोग बहुत काम करते हैं। 40 करोड़ लोग जो है ना वो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं आउट ऑफ द 50 करोड़। इनफॉर्मल सेक्टर दोस्तों वो सेक्टर है जहाँ पे अगर आप आज के दिन काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आज आप बीमार हो गए तो आप आज को दिहाड़ी नहीं मिलेगी, समझ गए। ये वो सेक्टर है, ठीक है गाइस। तो ये कोई भी जब देश में एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, एकदम से जब आप कॉइन को बदल देते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं के होता है। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, समझ रहे हो, एकदम से नोट बंद हो गए, काम ठप हो गए, तो किसके नुकसान हुआ, जो कि आज के दिन काम नहीं कर पा रहा उसकी नौकरी चली गई। उसी तरीके से आज के ये जो लॉकडाउन वाला जो एकदम से था वो भी कुछ इसी प्रकार के। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं AIIB को लेकर। देखो भाई दुनिया में है ना वर्ल्ड बैंक का और IMF का तीसरा सबसे बड़ा जो कंपटीटर है ना वो AIIB को माना जाता है। मतलब ये AIIB दोस्तों चाइनीज लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि अब बैंकिंग में दुनिया में हम लोग क्या करें, एक बहुत बड़ा नाम कर लें। 2013-14 के अंदर दोस्तों चाइनीज के द्वारा इनिशिएटिव करके इसको लॉन्च किया गया, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग के अंदर है। दुनिया के 102 मेंबर है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, जी लिखन है, यहाँ पे चाइनीज वही प्रेसिडेंट है। दूसरी एक और बात, जैसे कि अगर मैं बात करूं ADB के पास जितना पैसा है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, उसका 2/3 पैसा दोस्तों आपको AIIB के पास में देखने को मिलेगा। AIIB के पास में आपको 2/3 जो बनी है ना दोस्तों, वो आपको ADB का देखने को मिल जाएगा। यानी कि नियर बाय इन्होंने जो अपनी शुरुआत करी थी ना AIIB, तभी की इनकी शुरुआती मतलब यार बहुत लार्ज अमाउंट से थी, $500 बिलियन के फंड से तो AIIB ने शुरुआत करी थी। तो काफी पैसा है इनको देने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए। इंडिया भी जो है वो लोन लेता रहता है, आपको मालूम है, ये देख सकते हैं $750 मिलियन का लोन है जो कि दोस्तों लिया है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं सीनियर मैनेजमेंट को लेकर। तो क्या कोई भारतीय सीनियर मैनेजमेंट में है क्या? बिल्कुल है भाई, हमारे इंडिया के है डीजे पांड्यन साहब है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है और CIO है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है दोस्तों। समझिए दुनिया के कई सारे देश के जो है वहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट है, तो यही दोस्तों पैसा दिलाने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा होगा, यहाँ पे ये देखिए वाइस प्रेसिडेंट है AIIB के इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन के DG पांड्यन, जो कि पहले फॉर्मर गुजरात के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे दोस्तों, है ना, समझ रहे हो। तो वो यहाँ पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों पेज नंबर 16 की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों ब्रायन म्यूनिच ने दोस्तों 8वां स्टेट टाइटल है जो कि जर्मन फुटबॉल लीग का जीत लिया है। तो भाई आपने सुना होगा कि अभी कोविड-19 के बाद जो पहली लीग है जो कि अभी स्टार्ट हुई थी, उसका नाम था बुंडेसलीगा। बुंडेसलीगा दोस्तों ये जर्मनी की बहुत बड़ी दोस्तों एक फुटबॉल की लीग है दोस्तों। और यहाँ पे जो है ना ब्रायन म्यूनिच नाम की एक दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हमारे कोलकाता नाइट राइडर है ना फुटबॉल IPL में खेलते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे बुंडेसलीगा लीग होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्लब की टीमें खेलती है। तो ब्रायन म्यूनिच नाम की एक टीम है, उसने टूर्नामेंट है जो कि 8वीं बार दोस्तों जीत लिया है। समझ गए मेरी बात। स्टेडियम पूरी तरीके से आप देख सकते हैं खाली रखा गया था बिकॉज ऑफ द कोविड-19। अब आपको जान के लगता होगा कि दुनिया में टॉप 10 सबसे फेमस लीग कौन सी है। तो भाई बात ऐसी है, पहले तो बुंडेसलीगा के बारे में पढ़ते हैं। 1963 में शुरुआत हुई, जर्मन लीग है, 18 टीमें जो कि इसके अंदर खेलती है, समझ गए मेरी बात। और ब्रायन म्यूनिच दोस्तों क्लब जो है वो 29 बार यहाँ पे इस टूर्नामेंट को जीत चुका है। अब दुनिया के सबसे फेमस स्पोर्ट्स लीग की अगर मैं बात करूं जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑडियंस देखने आती है, तो नंबर 1 पे दोस्तों नेशनल फुटबॉल लीग है जो कि अमेरिका का है, जिसमें एवरेज ऑडियंस है 70,000 के आसपास है। सेकंड नंबर पे देखिए दुनिया की सबसे फेमस लीग है बुंडेसलीगा, ये देखिए जो कि जर्मनी की है, ये भी फुटबॉल की है मतलब एक्चुअली में। तीसरे नंबर पे बात करें दोस्तों तो ये भी फुटबॉल का ही है, ये क्या एक्चुअली में यूके का है, USA का है, ये कॉलेज फुटबॉल क्लब है, मतलब कॉलेज का होता है यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट, वो भी दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे फेमस लीग है। चौथे नंबर पे है दोस्तों EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये भी फुटबॉल का है। 5वें नंबर पे दोस्तों आता है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी फुटबॉल का है। तो मतलब आप देख सकते हैं दुनिया के जो 5 सबसे फेमस लीग है वो सारे फुटबॉल के। फिर आता है हमारा IPL, ठीक है गाइस। फिर आता है ये अमेरिका का एक और है बेसबॉल का, फिर फुटबॉल का है, फिर क्रिकेट का है बिग बैश T20, ये 9वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश। तो फुटबॉल दोस्तों दुनिया के अंदर बहुत खेला जाता है, आपको मालूम है। जब मैं बात करता हूँ फेमस होने के पॉपुलर की, तो ये सारे के सारे तो ऊपर के 2-3 क्लब के नाम पता होने चाहिए आपको, इतना ही बहुत है। लेकिन रेवेन्यू के टाइम पे बात करें दोस्तों तो ये जो है ना नेशनल फुटबॉल क्लब रेवेन्यू के तौर पे भी दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। सेकेंड है फिर बेसबॉल है अमेरिका की, है ना, वो पैसा कमाती है। फिर आपके इंग्लिश प्रीमियर लीग है। हमारे इंडिया की जो दोस्तों वो टॉप 25 के अंदर आती है, मतलब जब हम पैसा कमाने की रेवेन्यू की बात करते हैं। जनता तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं कमा पाते ना हम, क्योंकि रुपए में डील करते हैं, ये लोग जो है वो यूरो में डील करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे कोई कितना है 500, मेरे ख्याल से कोई 500 मिलियन यूरो के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये देखिए पहला वाला जो है वो 1300 मतलब 50 के आसपास है, ये मतलब 3 गुना है, मतलब ये 3x के आसपास है, समझ रहे हो। 500 नहीं है, 500 मिलियन है और हाँ, और ये 1.3 बिलियन के आसपास कर रही है, तो 3 गुना ज्यादा कर रही है ऑलमोस्ट। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं मैग्नेटिक महाराष्ट्र को लेकर 2.0 है जो कि लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो दोस्तों महाराष्ट्र ने एमओयू साइन किया है कई सारे फॉरेन कंपनीज के साथ में, कंट्रीज के साथ में, ताकि वापस से काम धंधा जो है वो स्टार्ट हो सके। सब लोग बेरोजगार बैठे हैं, अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर सबके साथ में बिजनेस जो है वो टाइप किए गए। ठीक है, कई सारी कंपनियां जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी और वापस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है। 1600 करोड़ रुपए के एमओयू है जो कि साइन किए गए। एक्चुअली के अंदर जितनी गवर्नमेंट एमओयू साइन करती है ना, उसका ये मान लीजिए 10% भी इम्प्लीमेंट है जो कि नहीं होता है। एमओयू क्या होता है कि एक तरीके से एक वर्बल एग्रीमेंट मान लो जो कि ऑन पेपर होता है, हाँ करेंगे करेंगे। राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी ने 2 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए थे, ऑन ग्राउंड 2,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया, समझ रहे हो। तो क्या होती है स्टेट की गवर्नमेंट माहौल बनाने के लिए क्या करती है, एमओयू साइन करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाती है, 5 स्टार होटल में रुकवाती है, बढ़िया जो है उनकी प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तब वो कंपनियां जो है वो पीछे हट जाती है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो भगत सिंह जी जो है वो गवर्नर है, उद्धव ठाकरे जी जो है वो सीएम है, 288 विधानसभा, 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ पे जैंट स्क्विरल एनिमल है, बर्ड है यहाँ पे दोस्तों, पिजन, फ्लावर है दोस्तों प्राइड ऑफ इंडियन, और मैंगो ट्री दोस्तों यहाँ पे स्टेट ट्री है। आगे बात करते हैं दोस्तों दुनिया में भारत की वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो 43 रैंक है दोस्तों भारत की। तो जब हम कितने कॉम्पिटेटिव है दुनिया के अंदर, इसको लेकर प्रतिस्पर्धात्मक कितने हैं उसको लेकर ये रैंकिंग है दोस्तों जो कि जारी करी जाती है, समझ गए मेरी बात। और इसके इसको रिलीज किया जाता है आईएमडी के द्वारा। आईएमडी आपकी कोई मूवी वाली नहीं है, आईएमडी रेटिंग, ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। सिंगापुर दोस्तों इसके अंदर दुनिया में नंबर 1 पर है, 63 है कंट्रीज में, भारत 43 पे है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे डेनमार्क, देन स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, हांगकांग, ये सब है। आगे बात करते हैं दोस्तों एवरेज टेम्परेचर इंडिया के अंदर आने वाले 100 साल के अंदर 4.5 डिग्री है दोस्तों जो कि बढ़ने वाला है। आपको मालूम है दोस्तों हमारे यहाँ पे सर्दियाँ आती है तो इतनी भयंकर सर्दी आती है आजकल, और गर्मी आती है तो इतनी भयंकर गर्मी आती है कि मतलब एकदम ही जोरदार। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही परेशानी है, समझ रहे हो। जैसे कि अभी मैं बात करूँ जयपुर, दिल्ली, कोलकाता की अगर, तो नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, ओके। और लेकिन साउथ इंडिया में ठीक है, मतलब राइट नाउ आई मीन बैंगलोर, और बैंगलोर के अंदर मौसम जो है वो एक नंबर है। मतलब यहाँ पे अभी भी ऐसा है कि आपको पंखा भी नहीं चलाओगे, फैन भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। बहुत ऑसम वेदर, बैंगलोर से बेस्ट वेदर इंडिया में कहीं पे भी नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर रहता है। तो इंडिया का एवरेज टेम्परेचर दोस्तों 1901 से लेकर 2018 के बीच में 0.7 डिग्री सेल्सियस है जो कि बढ़ा है, समझ गए। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों 2018 से 3000 तक आने वाले 100 साल तो 4.4 डिग्री सेल्सियस है जो कि बढ़ने वाला है। हालांकि हम लोग तो नहीं बचेंगे इतना टेम्परेचर देखने के लिए, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा बताई गई, और बताया गया कि भाई हमारे हालत जो है खराब हो रहे हैं, रेनफॉल कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, साइक्लोन बढ़ रहे हैं, समझ गए। तो कंडीशन टफ हो रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, जो साइक्लोन है उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आने वाले 100 सालों के अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं हैदराबाद ने डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को ने अवार्ड जीता है, प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। अब ये दोस्तों हैदराबाद का जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है ना, उसने जो ये प्रिंस अल्बर्ट सेकंड जो अवार्ड दिया है दोस्तों, और ये दिया है क्योंकि इन्वायरमेंटल अवार्ड है ये 2020 का, है ना। इन्वायरमेंट को लेकर अगर कोई काम करता है ना, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दोस्तों खेलो इंडिया स्टेट सेंटर है जो कि बनाने वाली है एक्सीलेंस को लेकर। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि बनाएंगे खेलो इंडिया स्कीम के तहत। तो आपको मालूम है दोस्तों खेलो इंडिया काफी अच्छी स्कीम थी जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, जिसके अंदर स्कूल के बच्चों को जो है नेशनल लेवल पे कम्पीट करके उनमें से कुछ अच्छे टैलेंटेड बच्चों को निकाल के ओलंपिक के लिए ट्रेन किया जाता है, और 6 साल 8 साल के लिए उनको पैसा स्टाइफंड भी जो है वो दिया जाता है। पहले स्कूल के लिए था, फिर बाद में कॉलेज के लिए स्टार्ट किया गया, समझ रहे हो। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है, और इसको क्या और भी अच्छी तरीके से जो है फंड करके अच्छी तरीके से एक्सीलेंस सेंटर फॉरेन के अंदर ट्रेनिंग, फॉरेन कोचेस, मतलब है ना, अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट करके जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया है कई सारे स्टेट जहाँ पे एक्सीलेंस सेंटर है जो कि ये बनाएंगे दोस्तों, है ना, काफी अच्छी बात है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कोचेस की हमारे इंडिया में कमी है, कोचेस की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे फैसिलिटी की कमी है एक्चुअली में, समझ रहे हो, फैसिलिटी की कमी है। और कोचेस की भी बात करें तो फॉरेन कोचेस को भी भाई इंडिया में बुलाओ, इंडिया के जो डोमेस्टिक कोचेस है उनको ट्रेन करो, है ना। ऑब्वियसली मतलब क्या कोचेस तो क्या दुनिया में फॉरेन के है ही फेयर बेस्ट, उसमें तो क्या कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हमारे यहाँ पे भी ट्रेन करोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, नीचे वाले लोग ऊपर जाएंगे। आगे बात करते हैं, रिटर्निंग लेबर्स में बी डिप्लॉयड फॉर जल जीवन मिशन वर्क। जल जीवन मिशन आपको मालूम है दोस्तों स्टार्ट किया गया था, तो जो लेबर वापस आ रहे हैं अपने राज्यों में उनको काम देने के लिए जल जीवन में बोला जा रहा है। जल जीवन मिशन क्या है दोस्तों कि हर किसी को 2024 तक जो है ड्रिंकिंग वाटर है जो कि अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया था, समझ गए मेरी बात। आपको मालूम है दोस्तों नियर बाय 2 करोड़ लेबर है दोस्तों जो कि वापस से अपने अपने राज्यों के अंदर लौट के आ रही है। 1 करोड़ तो आ चुकी है, 50 लाख मिडिल के अंदर थे और 50 लाख है जो कि आए नहीं, आने वाले हैं। तो नियर बाय 2 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों राज्यों के पास में कि इनको एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि राज्य ने तो हमेशा जो है अपने इलेक्शन के ऊपर फोकस किया है, एम्प्लॉयमेंट पे तो फोकस ही नहीं किया है। मतलब प्रॉब्लम ये है जितनी भी आपको सिटीज मिलेगी ना नॉर्थ इंडिया के अंदर या फिर साउथ इंडिया में तो चलो ठीक है, फिर भी काफी हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया, कोची हो गया, चेन्नई हो गया, है ना, काफी सेंटर्स है जहाँ पे जॉब्स के जो एक सेंटर्स है। लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ले दे के दोस्तों एक ही नाम है दिल्ली, दिल्ली के आसपास गुड़गांव या फिर नोएडा। बेचारा ये बेचारे दिल्ली के अंदर पूरे देश के नॉर्थ इंडिया के जो अपने यूथ है वो कूद के पड़ते हैं नौकरी के लिए, चाहे वो जयपुर में भी हो, चाहे फिर वो लखनऊ हो, चाहे फिर वो कोई से भी राज्य के लोग हो। तो प्रॉब्लम यह है कि सभी राज्यों को अपने वहां पे जब तक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं करेंगे ना तब तक ये माइग्रेशन कभी थमेगा नहीं। आज तक कभी जो है वो फोकस किया नहीं गया। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है अगर आप अपने स्टेट के अंदर ही कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, IT प्रोफेशनल, कोई भी लेबर, समझ रहे हो, इन सब लोगों को, कोई भी आपका रिसर्च स्कॉलर, अगर जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं अगर आप उनको अपने स्टेट में ही जॉब दे दो तो कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ या हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना ऊपर बढ़ सकते हैं। फायदे बताता हूँ आपको अपने स्टेट में काम करने के। पहले बात आपका फूड और आपका कल्चर आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता। दूसरी बात आपके जो एक्सपेंडिचर होते हैं दोस्तों, आपके हो सकता है सैलरी कम हो लेकिन आपके एक्सपेंडिचर भी कम हो जाते हैं, समझ गए। तीसरी बात आप अपने फैमिली से, आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहते हैं। चौथी बात दोस्तों आपकी जो ट्रैवलिंग टाइम है स्टेट के अंदर आप जॉब करते हैं तो काफी रिड्यूस हो जाता है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना वो इंप्रूव हो जाता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं अगर एक राज्य के अंदर एक स्टेट अपने सभी लोगों को एम्पावर करता है तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल केरला के अंदर केरला के लोग काम करते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तमिलनाडु, ये लोग ज्यादा माइग्रेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? दिल्ली के लोग जो है वो दिल्ली में काम करते ज्यादातर या फिर बॉम्बे जाएंगे अगर बॉलीवुड का काम है तो, अदरवाइज दिल्ली के लोग दिल्ली के अंदर काम करने के लिए सफिशिएंट है, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये तो ज्यादा फ्लॉरिश हो रहे हैं, ज्यादा डेवलप हो रहे हैं ये वाले सिटी के जो यूथ है। कॉलेज उनको अच्छा मिल जाता है, स्कूल उनको अच्छा मिल जाता है, तो ये लोग आज बिहार से या फिर राजस्थान से एक बच्चा दिल्ली में जाता है तो वो बड़ा इनसिक्योर सा फील करता है ना, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो इतने अच्छे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, उनसे वो कम्पीट नहीं कर पाता। उसको लगता है कि यार इंग्लिश बैरियर आ चुका है बीच में, है ना, ऊपर से जो तौर तरीके है वो बैरियर आ चुका है। ये बैरियर इसीलिए है क्योंकि अगर हम पहले हमारे राज्य फोकस कर रहे होते तो चीजें बहुत बदल जाती, समझ रहे हो। चलिए तो जल जीवन मिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जल जीवन मिशन की बात ये है यार, एक बात तो है आने वाले टाइम पे जब आप लोग कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप लोगों में से कई सारे पॉलिटिशियन बनेंगे, आप लोगों में से कई सारे कहीं ना कहीं तो पॉलिसी मेकर बनेंगे मरेंगे, आई नो दैट। तो काफी बेटर है जो कि आप लोगों को चीजें मिलेगी, मतलब है ना। इस करंट अफेयर सेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में नंबर दिलाना नहीं है, ओवरऑल जो आपकी साइकोलॉजी, जो मेंटालिटी है, जो आपके थॉट प्रोसेस है, उसको इतना ऊपर लेके जाना कि जरूरत। मेरा मोटिव है कि अगर कोई आपसे मिनिस्टर या फिर आपसे कोई IAS ऑफिसर हो, चाहे कोई फॉरेन डिप्लोमेट हो, कोई भी अगर आपसे डिस्कशन करे ना तो हमेशा वो आपको अपने बराबर पे समझेगा, क्योंकि आपको बहुत चीजें पता है, कैसे चीजें सही होती है, गलत होती है, क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हो, कैसे पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, क्या सही होता है, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। तो आप लोगों का लेवल बहुत अच्छा जाएगा, तो आप देश के बहुत सही काम आओगे, मतलब आने वाले टाइम में, मुझे पूरा यकीन है इस चीज को लेकर, है ना। चलिए तो जल जीवन मिशन की बात करें तो 55 लीटर पानी दोस्तों हर घर के अंदर जो है वो अवेलेबल करवाने के लिए टारगेट किया गया है 2024 तक। अभी कितना आता है ये बताओ मुझे। अभी दोस्तों ऐसा होता है कि 100 से लेकर 120 लीटर जो है पर पर्सन, पर कैपिटा, पर डे है जो कि आपको मिलता है। ये मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, शहर जो सिटी होते हैं, समझ गए मेरी बात, वहां पे इतना पानी है पर कैपिटा के हिसाब से। अगर 4 लोगों का घर, परिवार, एक घर है जो कि हम मानते हैं, तो आपको वहां पे 400 से 500 लीटर जो है पर डे है जो कि पानी मिलता है। जैसे जैसे आप एरिया के पॉश एरिया में जाते जाओगे शहर के पानी की क्वालिटी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप सबसे महंगे एरिया में रह रहे हो किसी शहर के अंदर सिविलाइज टाइप क्या उसके आसपास, तो आपको गाड़ी धोने के लिए गार्डन में पानी डालने के लिए भी एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास में एक्स्ट्रा जुगाड़ होता है। जैसे जैसे शहर से दूर जाते जाओगे आपकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे वो लोग घटाते जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए लोग जो है वो हमेशा अच्छे रहने में पॉसिबल अच्छे एरिया में जो है वो रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि पानी की सप्लाई भी ज्यादा मिलती है। ये भी एक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ गाइस ये पूरा का पूरा। इसके अलावा और तो यहाँ पे तो क्या है, सेंटर फंडिंग की बात करें दोस्तों, फंडिंग पैटर्न ये है कि सेंटर 90% और स्टेट 10% है जो कि पैसा लगाएगा हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए। बाकी राज्यों के लिए 50-50% जो है वो पैसा डिवाइड किया जाएगा। यूनियन टेरेटरी के लिए 100% फंड है दोस्तों, है ना, 3 लाख करोड़ रुपए का फंड है जो कि जारी किया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं 2024 में पता लगेगा जब अगला इलेक्शन आएगा तब पता लगेगा कि घर के अंदर पानी आया है कि नहीं आया देश के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में, ये मैं बता चुका हूँ। जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया गया था दोस्तों, आपको मालूम है, और मर्ज किया गया था वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजर्वेशन को ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मंत्रालय के साथ में दोनों को मिला के जल शक्ति बनाया गया था, ठीक है। गजेंद्र सिंह जी को दोस्तों मिनिस्टर है जो कि बनाया गया था। और जल शक्ति के अंडर में ही दोस्तों आपके इंटर वाटर डिस्प्यूट हो गए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गए, ये सब भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए थे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वाले सेशन की तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम पे जाइए, BHUNESS भुनेश डालिए, बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे, ये वाला चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और इसके अंदर आपको कोई 63 के आसपास कोई बच्चे मिलेंगे, 1000 के आसपास ज्वाइन कर लीजिएगा। आ जाओ भाई, थोड़ी सी कंपनी की जो है वो अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ जाओ। बात ऐसी है भाई कि 1000 क्वेश्चन का जो है वो आपके लिए प्लस कोर्स है जो कि मैंने लॉन्च किया है और कल से सुबह 9 बजे स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के हाई क्वालिटी क्वेश्चन ज्वाइन करने हैं तो आप BHUNESS भुनेश ज्वाइन लगाइएगा, रेफरल कोड। इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये देखो कोई से भी एग्जाम आपका मोटिव हो कि किसी भी एग्जाम के लिए आप भुनेश 10 रेफरल कोड यूज कर सकते हो, समझ गए मेरी बात। आपको 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइज। अगर आपको SSC में जाना है तो SSC सेलेक्ट करिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा और उसके बाद 500 रुपये पर मंथ वाला लीजिएगा 12 महीने का, क्योंकि आपको मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग, इंग्लिश और GS की प्री और मेंस की सारी क्लासेस, सारे के सारे एग्जाम जो है सब कवर किए जा रहे हैं और सारे टीचर की क्लासेस आपको मिल जाएगी। एक तरीके से नेटफ्लिक्स है आपके एजुकेशन का। फिर आपको रेफरल कोड पे जाना है, BHUNESS भुनेश डाल के अप्लाई कर देना है, आपको ऑफ 10% ऑफ मिल जाएगा। क्रेडिट स्कोर वाला भी अप्लाई कर देना और भी ऑफ मिल जाएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, कौन से कंट्री ने टॉप किया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को लेकर, ठीक है गाइस। अगला सवाल कितने रुपए का दोस्तों, यहाँ पे महाराष्ट्र ने 12 MOU है जो कि साइन किए अंडर द मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0। अगला है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एवरेज टेम्परेचर भारत का कितना बढ़ जाएगा ये बताया है। पहले चरण में खेल मंत्रालय ने डैश राज्यों में राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं की पहचान की जो कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित करे जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में मोहन बोगरा का निधन हो गया, वह एक डैश थे, मोहन बोहरा जी, ठीक है गाइस। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल दोस्तों आपका जो फ्री क्लास है वो कल होगी, जो स्पेशल क्लास होती है ना वो कल होगी, आज कोई स्पेशल क्लास आपकी नहीं है, ठीक है। कल मिलते हैं, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सुबह 9 बजे प्लस क्लास में भुनेश यूज कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।